मैं बॉबी झा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। मोदी अगड़ी जाति के थे, राजनीतिक लाभ के लिए पिछड़े वर्ग में शामिल हुए मायावती। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अगड़ी जाति में थे, लेकिन गुजरात में अपनी सरकार के चलते फिर उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और पिछड़े का हक मारने के लिए अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करवा लिया था। नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तरह जन्म से पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले ऊंची जाति के थे, बाद में पिछड़ी जाति के बने, लेकिन कन्नौज में उन्होंने यह कहा कि पिछड़ा वर्ग का होने की वजह से विरोधी लोग उन्हें नीच कहते हैं और बहन जी और अखिलेश ने भी नीच कहा है। ममता बनर्जी का हमला, कहा भाजपा 440 वोट की तरह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा को 440 वोट की तरह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और लोगों ने उसे सत्ता में लौटने से रोकने का आह्वान किया। उन्होंने हुगली और हावड़ा जिले में चुनावी सभाओं में कहा कि लोगों को भाजपा को खारिज कर देना चाहिए तथा उनके पक्ष में वोट देने से परहेज करना चाहिए। ममता ने हुगली जिले के पांडवा में हुगली लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रत्ना डे नाग के पक्ष में एक चुनावी रैली में कहा, मैं आश्वासन देती हूँ कि यदि तृणमूल सत्ता में आती है तो देश का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, भाजपा और नरेंद्र मोदी यदि दूसरी बार सत्ता में आए तो वे देश को बर्बाद कर देंगे। भाजपा 440 वोल्ट की तरह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अरविंद केजरीवाल के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर मचा विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के हिंदू वोट नहीं मिलने बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत कर कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा ये कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली में हिंदू वोट नहीं मिलने वाले हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान देने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंध किया जाए। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने नेतृत्व में PPCC के लिए प्रतिनिधि मंडल में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांग से जुड़ा ज्ञापन सौंपा है। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।